हे गाइस, व्हाट्स अप, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यहाँ पे हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे कमेटीज़ के बारे में। तो हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में सारी बातें पढ़ ली। अब जो कमेटीज़ बनी थी मेन, उसके अंदर कि किस कमेटी ने कौन सा काम किया, क्योंकि जब संविधान बनेगा तो बहुत सारी कमेटियाँ बनेंगी उसकी, और हर कमेटी को एक पर्टिकुलर काम दिया जाएगा। तो वो कमेटी उस काम को करेगी और उन चीज़ों को फिर आगे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, आठ जो है, यानी कि एट, यानी कि मेजर कमेटीज़ यहाँ पे होंगी। और ये कमेटी आपके सामने दिख रही है, आठ मेजर कमेटी हैं ये। ठीक है, इस तरह से। और बाकी जितनी भी हैं वो माइनर कमेटी है, और इसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है। तो एट मेजर कमेटी हैं अलग अलग, और बाकी सारी माइनर से काफ़ी सारी हैं। तो ठीक है, एक एक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहली कमेटी यूनियन पावर कमेटी। तो यूनियन की जितनी भी कमेटी हैं उस समय, देखिए यहाँ पे दो आपको कमेटी दिख रही हैं यूनियन की, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दोनों की दोनों यूनियन वाली जो कमेटी, जवाहरलाल नेहरू ने इनको हेड किया था, और मतलब इसके हेड बने थे। और प्रोविंशियल मतलब जितने भी राज्य थे, ठीक है, तो उनकी कमेटी जो थी वो सरदार पटेल थी। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर यानी कमेटी नंबर आपको देखनी है। यहाँ पे कमेटी नंबर आपको देखनी है 7। 7 में लिखा हुआ है कि स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स। तो देखो, प्रोविंशियल कमेटी जो है वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास है, लेकिन जो कन्वेंस करने के लिए स्टेट्स को, और जो उनको नेगोशिएट करने के लिए लोगों से स्टेट्स के, मतलब किस तरह स्टेट को डिवाइड किया जाएगा, तो वो जो कमेटी है वो जवाहरलाल नेहरू के पास है। अब आपको पॉइंट नंबर 8 पर ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 6 पर ध्यान देना है, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। तो पॉइंट नंबर 8 पे स्टीयरिंग कमेटी है। तो स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है, ड्राइवर के हाथ में होता है। ठीक है, और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक अगर गाड़ी मान लिया जाए, तो उसका स्टीयरिंग स्टीयरिंग किसके हाथ में होगा, जो उसको का चला रहा होगा, जो उसको प्रेजिडाइज कर रहा होगा, जो उसका प्रेसिडेंट होगा। तो उस समय उसका प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसलिए स्टीयरिंग कमेटी के वो हेड हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। और जो हेड होगा, जो बैठ के पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को चलाएगा, वही रूल ऑफ प्रोसीजर बनाएगा सारे के सारे। तो पॉइंट नंबर 6 आप देख सकते हो, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में है। तो 6, 7, 8 को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखो, फोर्थ नंबर पे आपको देखना है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही सबको याद होता है, याद कर लो जिसको याद नहीं है। ड्राफ्ट जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये 1, 2, 3 हम बात कर चुके हैं प्रोविंशियल यूनियन के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हमें देखना है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है पॉइंट नंबर 5 पे। तो 5 पे देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई थी 1931 के कराची के अधिवेशन में। आपको पता होगा, जिस जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसके अध्यक्ष भी जो है डॉक्टर वो हमारे जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसलिए यहाँ पे भी इनको जो है फंडामेंटल राइट की जो एडवाइजरी कमेटी है उसका हेड बनाया गया। उसके साथ ही माइनॉरिटीज़ कमेटी और ट्राइबल अफेयर्स और एक्सक्लूडेड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़, इन सबका हेड भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और ये पूरी जो कमेटी 1, 5 नंबर वाली है, इसके 5 सब डिवीज़न किए गए हैं। ठीक है, तो 5 के 5 सब डिवीज़न को हम देखते हैं कि करके। तो ये देखो, सब कमेटी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है 5 का ए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि फंडामेंटल राइट सब कमेटी। अगर आपसे केवल कमेटी पूछा जाएगा तो आपको वल्लभ भाई पटेल का नाम लगाना है, लेकिन सब कमेटी का अगर नाम पूछा जाएगा तो आपको जे बी कृपलानी लगाना है, कौन सा, फंडामेंटल राइट वाला। अब इसकी ट्रिक देख लो एक बार, ज़रा छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, तो देखो क्या है कि यहाँ पे इनके सरनेम में कृपलानी आता है, ठीक है, कृपलानी, और यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट। तो एक मतलब कि एक गुरुजी हैं, वो इस तरह बोल रहे हैं कि आप लोग अपने अधिकारों की रक्षा करो और आप पे कृपा बरसेगी। ऐसे याद रखना इस बात को, आप अपने अधिकारों यानी कि राइट्स, अधिकारों की रक्षा करो तो आप पे, आप पर कृपा बरसेगी। कृपा मतलब कृपलानी। तो ये आपको कृपा वाला वर्ड उठाना है और अधिकार वाला वर्ड उठाना है यहाँ से। तो ये इसकी ट्रिक आपको याद हो जाएगी कि अगर आप जो है अपने अधिकारों की रक्षा करोगे तो आप पर कृपा बरसेगी। किसकी कृपा बरसेगी, जे बी कृपलानी की। अभी ट्रिक है, कोई मतलब इसको लिटरली ना ले। और पॉइंट नंबर भी बहुत आसान होता है याद रखना। देखो, इसमें माइनॉरिटी लिखा हुआ है, तो एम फॉर माइनॉरिटी हो गया और एम फॉर मुखर्जी हो गया। तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो, एम फॉर माइनॉरिटी और एम फॉर मुखर्जी। और ये सब कमेटी की बात हो रही है, केवल कमेटी पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल लगाना। ठीक है, और थर्ड वाला देखो इसमें, ठीक है, ये देखो। तो देखो, पॉइंट नंबर C, 5 का C और 5 का D, जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को।
इसमें ट्रिक देखो क्या है कि पॉइंट नंबर सी में क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। तो आपसे अगर कमेटी पूछेगा तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछेगा सब कमेटी के बारे में, अब देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सी और डी में क्या है कि सी वाले में असम को इंक्लूड करते हैं और डी वाले में असम को एक्सक्लूड करना है, मतलब कि असम को लेके एक कमेटी है और एक असम को हटा के कमेटी है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल दोनों सेम है, ठीक है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये आपको देखो एक कहानी याद रखनी पड़ेगी छोटी सी, 1 मिनट लगेगा मुझे बताने में कि ये देखो कृष्ण जी हैं, ठीक है, ये कृष्ण जी हैं मान लो, ठीक है, और ये बहुत सारे की गोपियाँ हैं अलग अलग। तो कृष्ण जी को एक ठाकुर जी वर्ड भी दिया जाता है, ठीक है, क्या वर्ड दिया जाता है इनको, ठाकुर जी इनको कहते हैं, जो मथुरा साइड से होंगे उन लोगों को पता होगा, तो इनको ठाकुर जी कहते हैं, और गोपियाँ तो गोपियाँ होती हैं। अब गोपियाँ ऐसे समझ लो कि ट्राइबल एरिया में रहती थी सारी की सारी, गोपियाँ कहाँ रहती थी, सारी की सारी ट्राइबल एरिया में रहती थी और असम में रहती थी। तो गोपियाँ जो हैं सारी ट्राइबल एरिया और असम की रहने वाली थी, और जो कृष्ण जी थे वो ट्राइबल एरिया से नहीं थे, वो ठाकुर जी जो थे वो ट्राइबल एरिया से नहीं थे, वो नॉर्मल एरिया से थे, मतलब समझ का समझ में आ गया, मतलब असम और ट्राइबल एरिया से नहीं थे कृष्ण जी, कहीं और रहते थे वो। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो ट्रिक कैसे बनेगी, तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम, तो असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कौन है, गोपियाँ, तो गोपीनाथ बारदोलोई आपको याद हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, लेकिन मैं आपको परमानेंट तरीका बता रहा हूँ, भूलोगे नहीं इसके बाद। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये देखो, और जो बाकी जो एरिया बच गया असम और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरिया के अलावा, तो उसके ठक्कर जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी असम को छोड़ के बाकी सारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ठाकुर जी कहाँ रहते थे, बाकी सारे यानी कृष्ण जी कहाँ रहते थे, बाकी सारे एरिया को छोड़ के रहते थे। तो ये दो ट्रिक हो गई। तो पॉइंट नंबर ए में हमने ट्रिक देखी, कृपा बरसे की अधिकारों की रक्षा करनी है, और एम से मुखर्जी एम फॉर माइनॉरिटी, और सी वाला मैंने गोपी वाला बताया, और ठाकुर जी यानी कृष्ण जी वाला मैंने आपको डी पॉइंट बताया। और इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, और देखो ये वाले एडिशन में क्या है कि पाँचवा पार्ट जो है 5 का 5 वो दिया हुआ नहीं है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आप देखोगे यहाँ पे तो आपको केवल यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए हैं 5 का डी, लेकिन इसको 5 कमेटी में डिवाइड किया गया था, एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी ट्राइबल एरिया को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एडिशन में इसका दिया हुआ था। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि पाँचवा जो पॉइंट है वो इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि पाँचवें जो कमेटी थी वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ के बारे में थी, मतलब कि जो पाकिस्तान वाला एरिया है एंड इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं इनको 5वीं कमेटी के अंदर 5 के 5 पॉइंट में, 5 का E पॉइंट में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये अगले एडिशन में दिया हुआ है इसके बारे में, और ये कहा गया है कि बाद में जब पाकिस्तान ने ये एरिया अपना ले लिया था अपने पार्ट में, तो जब पाकिस्तान को चला गया था तो इस कमेटी को कोई मतलब रहा नहीं, और इसी कमेटी में खान अब्दुल गफ्फार खान यानी फ्रंटियर गांधी जो थे इसी कमेटी के सदस्य थे, ये आपको याद रख लेना छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो चलो चलते हैं आगे, अभी हमने सारी मेजर कमेटी देख ली है और माइनर कमेटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, जल्दी से आपको याद हो जाएगा सारा। तो देखो माइनर कमेटी की पहली ट्रिक आप समझो, आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देना है यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट रुकना, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 पे आपको ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। तो 4 में देखो क्या लिखा है, एड हॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, और 7 में लिखा हुआ है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। अब देखो क्या होता है कि जैसे घर का कोई मुखिया होता है तो वही घर में कितने पैसा का यूज़ होगा, कितना स्टाफ यूज़ होगा घर में, मतलब घर में कितने नौकर चाकर या कितने लोग, मान लो किसी कंपनी का कोई हेड है तो वही तय करता है कि कितना स्टाफ होना चाहिए। तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ उसकी, बहुत बढ़िया सी ट्रिक है मेरे पास, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 7 आपको आराम से याद हो जाएगा। देखो इसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये आपका यहाँ कैबिन लगा हुआ है राजेंद्र प्रसाद जी का, यहाँ बैठे हैं वो, ठीक है, और ये पूरी उसके सामने पूरी असेंबली चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद की जो डेस्क है उस पर, उसके ऊपर एक नेशनल फ्लैग इंडिया का लगा हुआ है, लगा ही रहता है जो मतलब हेड होता है, तो ये यहाँ पे अध्यक्ष हैं सभा के, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये जो चला रहे हैं यहाँ से सामने से बैठ के, और ये इनके इस पर फ्लैग लगा हुआ है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, एड हॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 4, तो आपका क्लियर हो गया यहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको पॉइंट नंबर 7 देखना है, और ये यहीं बैठ, अब इसे कैसे करोगे आप, तो फाइनेंस के सारा जो इशू है ये डिस्कस करेंगे लोगों से, सब सारे बिल पास करेंगे फाइनेंस के, और स्टाफ जितना लगाना है काम करने वाले असेंबली में तो वो भी ये सब सारे के सारे काम खुद ही करेंगे। तो ये फाइनेंस और स्टाफ कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, और आपको ध्यान देना है पॉइंट नंबर 3 पे, इसमें लिखा हुआ है हाउस कमेटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है हाउस कमेटी, ठीक है।
तो हाउस कमेटी कौन हेड करेगा, वो करेंगे पट्टा पट्टा भी सीतारामैया। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो इनका सरनेम देखो सीतारामैया, ठीक है क्या है सीतारामैया, तो सीता जी और राम जी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ हाउस, अब आपको ऐसे ट्रिक याद रखनी है कि हमारे घर में सीताराम की एक मूर्ति है, एक मूर्ति है या उनकी एक प्रतिमा है या फिर एक कैलेंडर लगा है, व्हाट एवर आपको याद रखना है। तो हाउस में यानी हमारे घर में सीताराम जी की मूर्ति है और उस घर में, ठीक है देखो जैसे हमारा ही घर है तो घर में कहीं पे सीताराम जी की मूर्ति लगी हुई है, तो हमें ऐसे याद हो जाएगा कि सीताराम जो है हमारे घर में है, और हाउस कमेटी क्या हो जाएगा फिर, पी पट्टा भी सीतारामैया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चार पांच कमेटी डिस्कस करी हैं, इसके बाद में सारी की ट्रिक अभी आपको बताऊँगा, और इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है इसके अंदर। तो यहाँ इस लेक्चर में इतना रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।